सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। माले ने पकड़ा शहर में कोविड जांच के नाम पर लूट का खेल। जांच के नाम पर लिया गया पैसा वापस करवाया व चेतावनी देकर छोड़ा, कहा आपदा में अवसर के नाम पर लूट मचाने नहीं देंगे। सदर अस्पताल गिरिडीह के ठीक बगल में कोविड जांच के नाम पर चल रहे लूट के खेल को आज माले ने पकड़ लिया। जांच के नाम पर बिना किसी रसीद के ली गई मनमानी रकम को वापस कराते हुए लैब संचालक को दोबारा ऐसा नहीं करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। इस बाबत पार्टी की ओर से जारी प्रेस बयान में कहा गया कि जिला परिषद के सामने शांति भवन स्थित कृष्णा पैथोलॉजी सेंटर में आज मखतपुर बरमसिया निवासी विजय यादव की पुत्री प्रियंका कुमारी कोविड का जांच कराने गई, जहां लैब के संचालक के द्वारा उससे एंटीजन जांच के नाम पर 800 रुपया ले लिया गया, जिसकी ना तो उसे कोई रसीद दी गई ना ही लिखित कोई जांच रिपोर्ट। लेकिन बच्ची द्वारा जब जांच के लिए लिए गए पैसे की रसीद या जांच के लिखित रिपोर्ट की लगातार मांग की जाने लगी तो संचालक उल्टा उस पर भड़क गया और बदसलूकी पर उतारू हो गया। तब प्रियंका ने इसकी सूचना अपने पिता को दी, तब उसके पिता के साथ माले नेता राजेश यादव से मिलकर इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही श्री यादव तुरंत अपने साथी राजेश सिन्हा के साथ लेकर लैब में पहुंच गए और मामले को लेकर लैब संचालक से पूछताछ शुरू कर दी। मौके पर प्रियंका और उसके पिता को भी बुलाया गया और आसपास के लोग भी जमा हो गए। पहले तो लैब संचालक पूरे मामले से ही इनकार करने लगा, लेकिन मामला बढ़ता देख उसने अपनी गलती मान ली और पैसा वापस करने को तैयार हो गया। तब मालिक की ओर से जांच के नाम पर लिया गया पैसा वापस करवा कर उसे दोबारा ऐसे नहीं करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। वहीं जिला प्रशासन से शहर में हो रहे इस तरह के गोरख धंधे पर रोक लगाने की मांग माले ने की। वहीं माले की ओर से कहा गया कि कोविड इलाज और जांच के नाम पर आम लोगों को लूटा जा रहा है, क्योंकि सरकारी सिस्टम अभी भी पूरी तरह कारगर नहीं हो पाई है। कहा कि एक तरफ लोग इलाज और जांच के नाम पर लूट के शिकार हो रहे हैं, वहीं टीकाकरण के नाम पर भी लोग खासे परेशान हैं। आज जिला जनसंपर्क कार्यालय में बनाए गए टीका केंद्र में दूर दराज से आए दर्जना अधिक लोगों को बिना टीका लिए ही लौट जाना पड़ा, जबकि दिए गए निश्चित समय पर टीका लेने पहुंचे थे लोग। गिरिडीह से चंदन पांडे की रिपोर्ट। कोविड के नाम पर पता चला कि 800 रुपया ले लिया गया है और जब नेगेटिव आ गया तो वो कहते हैं लैब वाले की अब तो इसका रिपोर्ट लेने का भी जरूरत नहीं। ये इस बात का पता चला जैसे ही भाकपा माले को, तो राजेश यादव जी कमरेड और मैं वहां पे गए। इसी बीच में उन्होंने स्वीकार पहले तो नहीं कर रहे थे कि इस तरह से हम करते हैं, क्योंकि बड़ा झगड़ी में बात कर रहे थे और मतलब जो नियम है गिरिडीह का उस तरीके से आ रहे थे। लेकिन जैसे ही हम लोग दबाव बनाना शुरू किए उन्होंने अपना पैसा वापस करना शुरू कर दिया। लेकिन देखिए ये बड़ी बात है कि ये जो हो रहा है ये जितना भी प्राइवेट हॉस्पिटल है वो भी रसीद नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे, किससे लूट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारे चीजों पर अगर मुख्य मुद्दे पर बात किया जाए तो सरकारी हॉस्पिटल का भी हाल वही है, प्राइवेट हॉस्पिटल का भी वही हाल है और इस पर विचार करना चाहिए। नहीं तो भाकपा वाले जहां पकड़ेगी उसी जगह पे ऐसे ही पर्दाफाश करेगी। आज भाकपा माले को इस बात की सूचना मिली कि एक लैब के द्वारा किसी से कोविड जांच के नाम पर एंटीजन जांच के नाम पर 800 रुपए ले लिया गया है और उसको 800 रुपए की कोई रसीद या कोई उसको लिखित में जांच का रिपोर्ट भी नहीं दिया जा रहा है, उल्टा उसके साथ बदसलूकी भी करने की बात आई। सूचना मिलते ही हमारी पार्टी के राजेश सिन्हा जी को लेकर हम लोग वहां गए और उस लैब के साथ जब हम लोगों ने पूछताछ शुरू किया तो पहले तो उन्होंने इस बात से ही पूरा इनकार किया, लेकिन जब सारे प्रमाण सामने रखे गए कि उसने ऐसा किया है तब फिर उसने मामला बढ़ता हुआ देख करके वो पैसा वापस करने के लिए तैयार हो गया। हम लोगों ने उसका पैसा वापस करवा दिया है, लेकिन हम इसके जरिए प्रशासन से आग्रह करना चाहते हैं कि इस तरह से कोविड जांच के नाम पर जो अफरा तफरी और लूट मची हुई है और खास करके प्राइवेट लैब में या और जहां भी हो रहा है लूट, इस पर वो रोक लगाई जाए। दूसरी बात हम यह कह रहे हैं कि टीकाकरण के नाम पर भी अव्यवस्था देखने में आ रही है। आज कुछ लोगों ने हम लोगों को शिकायत किया कि डीपीआरओ ऑफिस में जहां पर एक सेंटर टीकाकरण का बनाया गया है वहां पर दर्जनाधिक लोग पहुंचे हुए थे जिनको समय पर बुलाया गया था टीका लेने के लिए, लेकिन उन लोगों ने शिकायत की कि वहां टीका देने की व्यवस्था उनको नहीं की गई थी। तो ये भी जो अव्यवस्था है यह ठीक नहीं है, इसको प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए।